ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बंद गोभी और प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पकोड़ों के लिए मैंने लिया है 2 कप बंद गोभी। इसको धोकर लंबे साइज में पतले पतले काट लिए हैं और 1 कप प्याज लिए हैं। इसको भी हम पतले पतले लंबे आकार का इस तरह से काट लिए हैं। फ्रेश हरे धनिया के पत्ती इसको धोकर बारीक काट लिए हैं और आधा छोटा चम्मच इसमें अजवाइन का यूज़ किए हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हींग का यूज़ किए हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर लिए हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर लिए हैं। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और 1 हरी मिर्च, इसको भी हम बारीक काट लिए हैं। मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। अब सभी को हम मिला लेंगे। बंद गोभी और प्याज में सारे मसालों को इस तरह डाल करके हम मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन इसमें हम 6 चम्मच लिए हैं। हम ज़रूरत के हिसाब से बेसन लेंगे और इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे सभी को। उसके बाद हम नमक डाल देंगे। नमक और मिर्च हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। नमक डालकर हम अपने हाथों से इसको मसल मसल कर गाढ़ा घोल तैयार करेंगे और इसमें बहुत ही कम पानी डालेंगे। इस तरह से मसल मसल कर हम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। चाहे तो मीठा सोडा स्किप भी कर सकते हैं। और लहसुन का पेस्ट डालकर हम घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से घोल तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम सरसों का तेल पकौड़ों के तलने के मात्रा के हिसाब से हम डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और हम पकौड़ों को डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तभी हम पकौड़ों को डालेंगे और इस तरह से जब नीचे से थोड़ा पकौड़े ब्राउन हो जाए तब हम इसको पलटेंगे। ऊपर नीचे उलट पुलट कर हम पकौड़ों को क्रिस्प होने तक तलते रहेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। चारों तरफ से पकौड़े अच्छी तरह से सेक जाए तब हम इसे निकालेंगे। इस तरह से ब्राउन और क्रिस्प हो गया है। इसको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम सारे पकौड़ों को इसी तरह से तल लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। लो फ्लेम पर हम पकौड़ों को नहीं तलते हैं, नहीं तो सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा, पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से पकौड़े ब्राउन हो गए हैं और तल लिए हैं पकौड़े मैंने सारे। और इसे हम गर्मा गर्म अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो प्याज और बंद गोभी के पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।